और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये दरभंगा DMCH इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर क्या फैसिलिटी है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है? आप लोग 25,000 रुपया के दवाई कह दिली, अखन तक कोनो सुनवा नहीं छे। ने डॉक्टर क्या बोलते हैं, तो ड्यूटी है ड्यूटी करो, नर्स के लिए कोई व्यवस्था नहीं। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। यास तूफान के गुजर जाने के बाद तकरीबन 60 घंटे मूसलाधार बारिश के बाद दरभंगा समाचार की टीम DMCH पहुंचती है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं DMCH के इमरजेंसी वार्ड की है, शिशु विभाग की तस्वीरें हैं और तमाम कई विभागों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो जल जमाव है, इससे पहले नगर निगम ने घोषणा की कि उन्होंने तमाम नालों की सफाई कर दी, लेकिन हम आपको ये बता दें कि DMCH में आम तौर पर अगर 1-1.5 घंटे की भी बरसात हो जाए तो जल जमाव काफ़ी हो जाता है। ये तो 60 घंटे की मूसलाधार बारिश है और ये तस्वीरें बयां करती है। हम आपको दिखाएंगे मेडिसिन विभाग, जहाँ पे विभिन्न तरह की बीमारी के लोग इलाज कराने आते हैं कई जिलों से, यहाँ तक कि नेपाल से भी। तो हम इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बेड पे हैं और वो किस तरीके से खा रहे हैं पी रहे वहीं पे, यानी उनको किस तरीके से शौच का भी परेशानी हो सकता है। तो आइए बात करते हैं कुछ लोगों से, क्या तकलीफें हो रही हैं। बताइए भैया, यहाँ तो पूरा पानी पानी है, पानी पानी है और सबको तकलीफ हो रहा है, पर्सन को जो तकलीफ हो रहा है तो होता ही है। न कोई डॉक्टर अभी आ रहा है, न कोई नर्स आ रहा है। पानी कब से है यहाँ पे? पानी रात से ही है, पानी अभी आया है थोड़ा देर पहले। अच्छा, आधा घंटा पहले। आधा घंटा पहले कोई देखने आया? कोई देखने के लिए नहीं आया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये दरभंगा DMCH इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर क्या फैसिलिटी है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है? आप लोग को ये मेडिसिन वार्ड जो है, फर्स्ट मेडिसिन वार्ड में इस तरह का परिस्थिति है, इतना जो परसेंट है इन्फेक्शन वाले लोग बोल रहे हैं कोरोना 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 से पहले दूसरा इन्फेक्शन यहाँ पर प्रवेश कर जाएगा पर्सन को, और जो उनको गाइड कर रहा है वो भी और परसेंट हो जाएगा। यहाँ पे कोई आया देखने? कोई नहीं आया है। लेटरिन बाथरूम पूरा दिक्कत होगा, पूरा हर चीज का दिक्कत है यहाँ पे। कब से आप लोग यहाँ पे भर्ती है? हम तो यहाँ पे 20 तारीख से भर्ती है यहाँ पे। पेशेंट की स्थिति क्या? पेशेंट का स्थिति मेरा सुधार है, इसीलिए यहाँ पे रुके हुए हैं। अभी हम यहाँ से भेजेंगे ड्रेसिंग करवाने के लिए, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर जो ट्रॉली वालों को बुलाता है, कोई बगैर टिप्स का बात नहीं कर रहा है, पैसा लेता एकदम पैसा ले रहा है, बगैर पैसा है कोई काम ही नहीं कर रहा ट्रॉली वाले। बाहर तो पूरा सीना भर पानी है, तो यहाँ जाएंगे? यहाँ तो मान लीजिए आज पानी हुआ है, हम यहाँ पे 20 तारीख से हैं, जिस दिन से आए हैं उस दिन ट्रॉली वाले बगैर पैसा है कोई काम नहीं कर रहा है। आज मेरे पास पैसा है तो हम ट्रॉली लेकर पैसा करवा रहे, जिसके पास पैसा नहीं है उसका पैसा तो मर गया ना, उसका पैसा तो मर गया ना। और सबसे बड़ी बात भैया, हम नाम भी बोलते हैं ट्रॉली वालों का, किस विभाग में मैम काम करती हैं? मेडिसिन विभाग में। मैम जब भी यहाँ पानी बरसता है क्या ऐसी स्थिति में आप आती हैं? ऐसी स्थिति में तो इसके लिए आप तमाम जो स्टाफ है क्या कभी आवाज उठाते तो भी कोई फायदा नहीं होता है? अध्यक्ष क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, ड्यूटी है ड्यूटी करो, नर्स के लिए कोई व्यवस्था नहीं। और डॉक्टरों के लिए? डॉक्टर तो सब अपना गाड़ी रहता है, उनका अपना क्वार्टर है, सब कुछ है, हम लोग को ना क्वार्टर मिलता है ना कुछ मिलता है। जी ये नाश्ता और दवाई किन के लिए है? कहाँ भर्ती है? फैमिली वार्ड में। पानी अंदर में भी है क्या? अभी आप क्या लेके जा रहे हैं? पहली बार DMCH में इलाज कराने आए? तो ये बरसात के समय क्या पहली बार आए? इसके लिए कभी आपने शिकायत किया यहाँ के अध्यक्ष को, डॉक्टर क्या जब तो आता DMCH
क्या लगता है कि अगर ऊपर से नीचे सब बेमान है तो आम जनता भी कहीं ना कहीं मतलब इस चीज को लेकर चलते कि जो हो रहा है हो रहा है, उसके लिए आवाज क्या उठा? जनता कमजोरी, जनता की भी कमजोरी। आपका नाम कहाँ से आ रहे हैं? सागरपुर से। सागरपुर से क्या हुआ था बच्चा? कितने दिनों से भर्ती है? अभी क्या स्थिति है?